नमस्कार, स्वागत है आपका एक नए तेवर एक नए अंदाज में। लंच ब्रेक देख रहे हैं आप, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। कांग्रेस के एक ट्वीट पर बीजेपी ने सख्त हमला बोला है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि ट्वीट के जरिए कांग्रेस लोगों को हिंसा के लिए उकसा रही है। उन्होंने कहा कि यह भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि आग लगाओ यात्रा है। कांग्रेस ने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें खाकी हाफ पैंट में आग और धुआं दिखाई दे रहा है, साथ में लिखा 145 दिन बाकी हैं। इसी पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रिप्रेजेंट करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है और इसमें आग जलते हुए दिखाया गया है। आगजनी का दृश्य है ये। दिस इज नथिंग बट इंस्टिगेटिंग पीपल फॉर वायलेंस। यह और कुछ नहीं है मगर किस प्रकार से लोग वायलेंट हो, किस प्रकार से आगजनी हो, किस प्रकार से हत्याएं हो, उसके लिए लोगों को उकसाने का काम आज गांधी परिवार और गांधी परिवार के कहने पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। एंड दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट द कांग्रेस पार्टी हैज डन सो। ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने इस प्रकार का कोई फोटो ट्वीट किया हो या इस प्रकार के विचार को फ्लोट किया हो। याद करिए 2021-22 में जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे राहुल गांधी, तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भाषण देते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि पूरे भारतवर्ष में किरोसिन छिड़का गया है। और अब बात है ज्ञानवापी विवाद की जिस पर आना है फैसला। तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, कभी भी ज्ञानवापी मामले में फैसला आ सकता है। वाराणसी के जिला कोर्ट में 15वें नंबर पर यह मामला है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेष फैसला सुनाएंगे कि ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई के लायक यह फैसला है या नहीं। मामला खास है, संवेदनशील है, लिहाजा सुरक्षा के सख्त इंतजाम है। वाराणसी शहर छावनी में तब्दील हो चुका है। ज्ञानवापी परिसर के आसपास धारा 144 लागू है, 250 से ज्यादा पुलिस बल की तैनाती है। 15वें नंबर पर केस है, कभी भी किसी भी क्षण अब फैसला आ सकता है। वाराणसी की जिला अदालत ये फैसला सुनाएगी कि सुनवाई लायक ये फैसला है या नहीं। तो अर्जी सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला लिया जाना है जिला कोर्ट में। ये मामला 15वें नंबर पर है। लगभग 2:30 बजे माना जा रहा है कि इस पर फैसला हो सकता है। फैसले से पहले पूरा वाराणसी शहर इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन से बात की मेरी सहयोगी चित्रा त्रिपाठी ने। आज का दिन बेहद अहम होने वाला है। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में फैसले का दिन है। दोपहर 2 बजे के आसपास फैसला आ जाएगा। विष्णु शंकर जैन जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आज आप लोगों के लिए बेहद अहम दिन है, विस्तार से बताइए आम दर्शकों की भाषा में कि किस तरह की उम्मीद हिंदू पक्ष आज के इस फैसले को लेकर कर रहा है। देखिए, हमने जो ये सूट दायर किया था इसमें हमने श्रृंगार गौरी और उस तथागतन मस्जिद परिसर के अंदर अन्य देवी देवताओं के पूजा की अधिकार की मांग की याचिका हमने दायर की थी। उस याचिका को स्वीकार करते हुए माननीय न्यायालय ने इनिशियली सर्वे कमीशन का अपॉइंटमेंट किया था और उस अपॉइंटमेंट के बाद जब सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई तब मुस्लिम पक्ष ने बात रखी सुप्रीम कोर्ट के पटल पे कि पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और ये सारे ऑब्जेक्शन डिसाइड किए जाएं, क्योंकि अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ऑब्जेक्शन डिसाइड किया जाता है तो ये सूट ही खत्म हो जाएगा, तो आगे कोई भी कमीशन की रिपोर्ट या कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता है। तो उसी इंटेंशन से ये 7/11 की एप्लीकेशन, जिसे आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करूं तो मेंटेनेबिलिटी की एप्लीकेशन उन्होंने हमारे केस में फाइल की थी, और जब वो एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई है तो हमारा ऐसा कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस केस में हमारे पक्ष में अप्लाई होता है, क्योंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में आया है और ये एडमिटेड फैक्ट है कि व्यास जी नवम्बर 1993 तक वहां तहखाने में पूजा करते चले आ रहे थे। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के वायलेशन में हमारे को डिस्पोजेस किया गया है और इसलिए सारे मामले सूट में एविडेंस। लेकिन आज तो श्रृंगार गौरी मामले में, आज तो सिर्फ एक ही मामले में, हालांकि आपको बताते चले
कि दर्जन भर इस पूरे मामले में ज्ञान व्यापी से जुड़े हुए केस अलग अलग तमाम कोर्ट में दाखिल हैं, लेकिन आज के मामले की अगर हम बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि आज का जो फैसला है पूरी उम्मीद है आप लोगों को कि आपके पक्ष में आएगा। तीन बड़े आधार इसको लेकर क्या गिनाना है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट आधार ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था इसी केस में, जहां पे काशी विश्वनाथ एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी अंडर चैलेंज थी, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि यहाँ पे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई है और इस मंदिर का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है, स्वयंभू देवता क्या है, वो सारा महत्व जस्टिस रामास्वामी ने अपने जजमेंट में समझाया। इसके अलावा मंदिर तोड़ने का जो प्रूफ है, औरंगजेब का फरमान, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट आधार है। दीन मोहम्मद के केस में जो 12 लोगों की गवाहियां हैं वो एक इसमें इंपॉर्टेंट आधार है, और साथ ही साथ जो हमने केस में प्लीडिंग्स की हैं जिसके आधार पर हमने विजिबल और इनविजिबल डेटीज की मांग की, और कमीशन की रिपोर्ट में जो शिवलिंग बरामद हुआ है, ये इस केस के बहुत मूलभूत सबसे इंपॉर्टेंट आधार है जिसके आधार पर हम चाहते हैं इस केस में आगे एविडेंस लीड की जाए। अभी तो सिर्फ यही होगा ना कि सुनवाई हो या नहीं हो, इसको लेकर अदालत आज अपना फैसला दे। आज कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या ये मामले में वो हमें अधिकार देंगे आगे एविडेंस लीड करने का कि ये केस यहीं खत्म हो जाएगा। अगर कोर्ट ऐसा डिसाइड करती है केस यहीं खत्म हो जाएगा तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम हाई कोर्ट जाएंगे। और मेरे सहयोगी कुमार अभिषेक इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले कुमार आपका रुख करते हुए, 2:30 बजे के आसपास ही फैसला आएगा या फिर 15वें नंबर में अभी आने में वक्त लगेगा, क्या खबर मिल रही है? नेहा, देखिए 2 बजे का टाइम तय है, जब हम लोगों ने सरकारी वकील से बात की उन्होंने कहा कि 2 बजे आप मान लीजिए कि 2 बजे ये फैसला आएगा, यानी कि लंच के तुरंत बाद इस पर जज जो हैं अजय कुमार विश्वेश वो अपना फैसला सुनाएंगे, लेकिन फैसला छोटा होगा क्योंकि सिर्फ एक लाइन का सवाल है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है या नहीं है, और सब कुछ इसी पर टिका है नेहा कि आखिर फैसला क्या आता है। दोनों पक्ष अपने अपने तरफ से दावे कर रहे हैं कि ये उनके पक्ष में आएगा, लेकिन दोनों पक्ष ये भी कह रहे हैं कि अगर उनके पक्ष में नहीं आया तो ये ऊपर चैलेंज करेंगे। तमाम गहमा गहमी इस वक्त अदालत के बाहर मौजूद है और कई लोग, कुछ पक्षकार मौजूद हैं, कई वकील मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग यहाँ पर कोर्ट के बाहर मौजूद हैं, आपको लगता है कि आप ही के पक्ष में आएगा और नहीं आया तो क्या करेंगे? देखिए, एक लाइन का जो ऑर्डर आपने कहा बहुत सुंदर बात कही, ये जो पूरा का पूरा मामला है वो ये है वर्शिप एक्ट को लेकर के, वर्शिप एक्ट यहाँ पर लागू नहीं होता है क्योंकि हिंदू पक्ष ने यहाँ पर 2013 तक यहाँ पूजा की यहाँ पर, और दो, लेकिन ये बताइए अगर आपके पक्ष में नहीं आया तो क्या करें? नहीं, हम पूरी वही बात बता रहे हैं, 2003 तक जब हिंदुओं ने पूजा की है तो 2001 में आया हुआ वर्ष 1991 तो उसको लेकर के अगर हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो हम लोग यहाँ 100 किलोमीटर आगे प्रयागराज की तरफ बढ़ जाएंगे, और ये वर्षिप एक्ट है उससे हम लोग को कोई हानि नहीं होने वाली है, उसको ऑलरेडी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी कर रखा है। चलिए, तो यहाँ पर नेहा बाकी सुरक्षा इंतजाम तो अपने चरम पे हैं कह लीजिए, क्योंकि आज चूंकि फैसला आना है इसलिए सुरक्षा के इंतजाम व्यापक तौर पर किए गए हैं, लेकिन अब से अब कुछ 1 घंटे का वक्त बचा है जब ये फैसला सुनाएंगे एके विश्वेश, जो कि अजय कुमार विश्वेश हैं, और तमाम निगाहें उन पर ही टिकी हुई हैं। नेहा, ठीक है, स्वामी चक्रपाणी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, मौलाना पीर अली कादरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। सबसे पहले स्वामी जी आपका रुख करते हुए, कितने आश्वस्त हैं आप कि आज हिंदुओं के ही पक्ष में फैसला आएगा? नेहा जी, मैं तो पूरी तरह आश्वस्त हूँ, और निश्चित रूप से जो नंदी की तपस्या है, जो सैकड़ों वर्षों से बैठी हुई हैं, जो सनातन धर्मी हिंदुओं की तपस्या है, जो जिन्होंने अपनी कुर्बानी तक दे दी है, निश्चित रूप से उस पक्ष में आएगा, हिंदुओं के पक्ष में। और भगवान विश्वेश्वर महादेव तो पिछली बार दर्शन कर ही दिए, जब माननीय कोर्ट के आदेश से जब सर्वेक्षण हुआ था उसमें वीडियोग्राफी हुई थी और कैसे भगवान विश्वेश्वर महादेव मिले हैं, तो निश्चित रूप से हिंदू सनातन धर्मियों के पक्ष में आएगा, और वहां भी भव्य विशाल भगवान विश्वेश्वर महादेव का जो प्राचीन मंदिर है वो बनके तैयार होगा। मैं तो मुस्लिम जो पक्षकार है उनसे भी अपील करता हूं कि अपना दावा उनको स्वयं वापस ले लेना चाहिए और हिंदुओं के पक्ष में उनको घोषणा कर देना चाहिए समर्थन के मंदिर का, क्योंकि ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम नहीं बल्कि विदेशी आक्रांता वर्सेज देश की सांस्कृतिक विरासत की लड़ाई है। इसलिए कोई विदेशी आक्रांता आता है और हमारे मंदिरों को तोड़ देता है और ऊपर मस्जिद की गुंबद बना देता है, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि
क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा नेहा जी मंदिर मस्जिद नहीं होगा जहां आपके दीवारों में देवी देवताओं की तस्वीर होंगी, देवी देवताओं की प्रतिमाएं होंगी और वहां पे वो हो रहा। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट वो चिल्ला चिल्ला के वो दीवारें कह रही हैं, वो प्रतिमाएं कह रही हैं कि यहां पे मुगलों ने अत्याचार किया, अन्याय किया, हिंदुओं के साथ बर्बरता की, मंदिरों के साथ बर्बरता की और तोड़ करके उसको विवाद का एक रूप देने का काम किया। तो इसलिए विदेशी आक्रांताओं ने जो किया है, ये समय है कि जो मुस्लिम पक्षकार दावा कर रहे हैं उनके प्रायश्चित का समय है, उनको अपनी दावा छोड़ करके कादरी जी प्रायश्चित का समय है, विदेशी आक्रांता है ये। क्या आप अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, क्या फिर कहीं पर चूक रह गई है? देखिए मैडम, आज जो फैसला आने वाला है ये केस की सुनवाई होगी या नहीं इस पर आने वाला है। ठीक है, कुमार अभिषेक के पास एक बार रुक करेंगे, हरिशंकर जैन के साथ मौजूद है। बिल्कुल नेहा, देखिए हरिशंकर जैन पहुंचे हैं इस वक्त कोर्ट, क्योंकि अब कुछ देर बाद सुनवाई होनी है, उस पर फैसला आना है। बात करने की कोशिश करते हैं नेहा, हम लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त वो पहुंच चुके हैं, जो अदालत है वाराणसी की, जो जिला अदालत है वहां पहुंचे हैं। हरिशंकर जी इस वक्त पहुंचे हुए हैं, कुछ लौट के आगे बता देंगे। चलिए देखिए, जरा एक आध सवाल हमारे भी ये बताइए कि आप कितने आश्वस्त हैं कि आज फैसला आपके पक्ष में आएगा? 100% 100% आखिर आपके इस कॉन्फिडेंस की वजह क्या है? कानून, कानूनी मुद्दे और मोर देन एविडेंस, क्यों एविडेंस सारी हमारे फेवर में है, तो मुझे कानूनी रूप से पूरी उम्मीद है कि फैसला कानून हमारे पक्ष में आना चाहिए। लेकिन जब सर्वे हुआ और कहा गया कि शिव की शिवलिंग मिला, क्या उसका आज के कुछ फैसले से लेना देना है? जी नहीं, आज केवल लिमिटेड मुद्दा है कि क्या 7-11 के तहत सूट मेंटेनेबल है, हमको गवाही लीड करने की इजाजत दी जाए ना दी जाए, कुल इतना सवाल। आप लोगों ने जो दलीलें रखी उसमें जो मुस्लिम पक्ष है सब लौट के आने के बाद कब तक आते हैं? Exactly? तो नेहा आपने सुना क्या कह रहे थे हरिशंकर जैन, वो पहुंचे हैं इस वक्त कोर्ट और अब कुछ देर बाद इस पर फैसला आने वाला है। तो तमाम जो वकील हैं, 6 वकील हिंदू पक्ष के हैं, 5 वकील मुस्लिम पक्ष के हैं, ये सबके सब एके विश्वेश का जो कोर्ट रूम है उसमें मौजूद रहेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि ठीक लंच के बाद 2 बजे जब जज बैठेंगे। साथ महंत राजूदास भी जुड़ गए हैं जो कि हनुमानगढ़ी के महंत हैं। राजूदास जी, जिस तरीके की लड़ाई राम मंदिर के लिए लड़ी गई उसने दरअसल एक नजीर पेश की देश भर के मंदिरों के लिए, उसी के बाद से ये तमाम मंदिरों की सुनवाई कोर्ट में शुरू हो गई। आज के फैसले को लेकर आपकी क्या उम्मीद है? देखिए, पहले तो बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं हिंदू जनमानस को, जो हिंदू जनमानस में बाबरी विध्वंस के बाद हर व्यक्ति की इच्छा थी जो श्रृंगार गौरी की पूजन, तो श्रृंगार गौरी की पूजन को लेकर हम लोग कोर्ट गए। कोर्ट जाने के बाद कोर्ट को साधुवाद है, हमको एक्सेप्ट भी किया और एक्सेप्ट करने के बाद हमको मौका भी दिया, तो हम संविधान को मानते हैं और संविधानिक तरीके से हर व्यक्ति को अधिकार है अपने बात को कहने का, रखने का, और एविडेंस, साक्ष्य, प्रमाण सारे मेरे पक्ष में है, क्योंकि आप देखिए कि श्रृंगार गौरी जी का पूजन लगातार हो रहा था लेकिन बाबरी विध्वंस के बाद कुछ कार्यों के द्वारा रोक दिया गया। आप देखिए कभी जो सर्वे हुआ, सर्वे में भगवान भोले का शिवलिंग की प्राप्ति हुई, अभी देखिए जो सर्वेक्षण हुआ उसमें पूरे जो ज्ञानवापी है, ज्ञानवापी का पीछे का आकार देखिए प्रत्यक्ष दिख रहा है, आप अंदर का आकार देखिए वहां पर भी टूटे फूटे खंडित विखंडित मूर्तियां, तो इससे आप प्रत्यक्ष दर्शी हैं, आप लोग मीडिया के सारे लोग, इससे हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरे पक्ष में फैसला आएगा। कादरी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कादरी जी, आप विदेशी आक्रांता को लेकर कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए मैडम, विदेशी आक्रांता आए, क्या किए, किधर किए, ये एक माजी है, इसको अपनी जगह रहने दीजिए। रहा सवाल कि आज ज्ञानव्यापी का जो मसला है और आज यहाँ पर कोई फैसला आने वाला नहीं है, ये बात तय होगी कि ये केस को सुना जाएगा या ना सुना जाएगा, और हमको हमारी अदालतों पर पूरा भरोसा है, जो भी अदालत फैसला देती है हर हिंदुस्तानी को फैसला मानना है।
मेरे आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहनी है जो बहुत जमाने से बात मैं कहता आ रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आज मुसलमानों के हक में ये बात आए कि यहां पर ये केस नहीं सुना जाएगा, रुक जाएगा, तो बात ही खत्म हो जाएगी। नहीं, अगर हिंदू पक्ष के उसमें आए कि नहीं सुनी जाएगी, तो फिर अब ये बात आगे बढ़ेगी, हाईकोर्ट जाएगा, जो भी होगा कई चीजें होगी। और इसमें यकीनी बात है, हर दो समुदाय के बीच में तनाव भी आएगा, मानसिकता में तनाव आएगा। तो मैं ये चाह रहा था कि सारे मामले को संवाद के जरिए हम जो है हल करें, सौहार्द बनाए रखें। ठीक है, आपसी सौहार्द बना रहे, जो भी फैसला आए, जिसके भी हक में आए, सबको स्वीकार होगा, यही यहाँ पर कादरी जी भी कह रहे हैं। लेकिन इस बीच चित्रा त्रिपाठी मेरी सहयोगी तमाम जानकारी के साथ जुड़ गई हैं। चित्रा, देखिए सुबह से ही आप हिंदू पक्ष के वकील से बातचीत कर चुकी हैं, तमाम लोगों से बातचीत कर चुकी हैं, एक सकारात्मक माहौल वहां पर बना हुआ है हिंदू पक्ष के लोगों के लिए, और वो ऐसा मान भी रहे हैं कि उन्हीं के पक्ष में फैसला आना है। लेकिन अगर हम अजम्पशन पर बात करें, अगर फैसला नहीं आता है तो आगे क्या? देखिए दोपहर 2 बजे कम से कम फैसला किसके हक में जाएगा, ये सवाल बना हुआ है। इसको लेकर तरह तरह के मन में यकीनन सभी के सवाल हैं कि फैसला किसके हक में आएगा, हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष। 2 बजे के बाद फैसला कभी भी आ सकता है, लेकिन सवाल ये है कि फैसला आने के बाद जिसके भी पक्ष में, जिसके भी हक में ये फैसला नहीं आएगा, नेहा, यकीनन वो ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाएगा, और उसको लेकर तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। कोर्ट की जो प्रक्रिया होती है वो काफी लंबी चलती है, लेकिन आज का जो भी फैसला श्रृंगार गौरी मामले में आने वाला है, यकीनन ये आगे की बहुत राह तय करने वाला है, क्योंकि इसके जरिए जिसके भी पक्ष में फैसला आए उसके जरिए ये कम से कम तय हो जाएगा कि आगे की राह क्या, का आधार उसके लिए क्या बना है। देखिए पिछले ही साल अगस्त के महीने में 5 महिलाओं की ओर से बकायदा याचिका दाखिल की जाती है श्रृंगार गौरी मामले में, लेकिन 1 साल के भीतर ये पूरा का पूरा मामला इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है कि न सिर्फ हिन्दुस्तान बल्कि दुनिया भर से लोगों की नजर है कि आखिर उस ज्ञानव्यापी का क्या होगा, ज्ञानव्यापी मस्जिद या फिर मंदिर जिसको फवारा मुस्लिम पक्ष बताता है, जिसको हिंदू पक्ष शिवलिंग करार देता है, उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। तो उसको ASI के जरिए किस तरह से सर्वेक्षण करवाया जाए, अभी ये पूरी की पूरी प्रक्रिया बहुत लंबी खींचेगी, लेकिन यकीनन आज जो भी फैसला आएगा, जिसके भी पक्ष में फैसला आएगा, वो एक मजबूत आधार बन जाएगा उस व्यक्ति के लिए। शायद यही कारण है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन इन सबके बीच कोर्ट की तरफ सभी की निगाहें टिकी हुई है कि आज श्रृंगार गौरी मामले में क्या फैसला आता है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, 1991 के बाद से ही लगातार हम देखें तो दर्जनों केस ज्ञानवापी आपके पास। तुम्हारे अभिषेक मेरे सहयोगी कोर्ट परिसर से जुड़े हुए, वहां पर किस तरीके का माहौल है, क्योंकि हरिशंकर जैन पहुंच चुके हैं, विष्णु जैन पहुंच चुके हैं, यही दोनों लोग प्रमुख तौर पर दलील रख चुके हैं अपनी, अब उसी पर फैसला लिया जाना है कोर्ट का कि आगे सुनवाई होगी या नहीं, ये मामला सुनवाई लायक भी है या नहीं, क्या माहौल देख पा रहे हैं वहां पर आप कुमार? देखिए अब कुछ वक्त की बात है जब हम इस फैसले को सुन पाएंगे, लेकिन तमाम जो पक्षकार हैं वो पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हरिशंकर जैन, विष्णु जैन, ये सबके सब लोग कोर्ट परिसर के भीतर पहुंच चुके हैं। मीडिया को कोर्ट के बाहर ही रोक दिया गया है, हालांकि कैमरे के बगैर जब इसका फैसला सुनाया जाएगा तब मीडियाकर्मी बाहर मौजूद होंगे, लेकिन कोर्ट रूम में किसी की मौजूदगी नहीं हो सकती है, ऐसा सख्त आदेश है। तो कुल मिलाकर के हमें इस बात की नजर रखनी पड़ेगी कि कितनी जल्दी ये फैसला आता है। देखिए 1:15 होने को है, अब 45 मिनट का वक्त बाकी है। जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक 2 बजे जज AK विश्वेश जो है वो इसका फैसला सुनाएंगे। तो सभी उम्मीद, सभी निगाहें उसी ओर हैं कि ये फैसला क्या आता है, क्योंकि बहुत बड़ा फैसला नहीं होना है, सिर्फ एक लाइन का फैसला है कि क्या ये मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा। अगर ये मेंटेनेबल होता है तो हिंदू पक्ष की जीत मानी जाएगी, और अगर मेंटेनेबल नहीं होता है तो ये मुस्लिम पक्ष की जीत मानी जाएगी। कुल मिलाकर दोनों के पास जो ऑप्शन है वो हाई कोर्ट का। जैसे ही फैसला आएगा हम अपने दर्शकों को बताएंगे। महंत राजू दास हमारे साथ जुड़े हैं। महंत जी, देखिए लंबा विवाद चला बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर, उसके बाद फैसला आया, आपको लगता है ये विवाद भी लंबा चलने वाला है या फिर कोई समय सीमा है आपके दिमाग में, कोई टाइमलाइन है जब ये पूरा विवाद खत्म हो जाएगा? नहीं नहीं, देखिए 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 क्या है कि राम जन्मभूमि मामले में हम लोग लगातार लगे हुए थे, और एक बहुसंख्यक समाज का भाव था कि वहां पर राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हो। एविडेंस दिया, साक्ष्य दिया, प्रमाण दिया, सर्वे हुआ, सर्वेक्षण हुआ, खुदाई हुआ, और मेरे अंदर इतना धैर्य देखिए कि हम लोगों ने लगातार संविधान को
सर आंखों पे रखकर और लगातार मुकदमे लड़ी और मुकदमे लड़ने के बाद तब विजय हुआ। तो देखिए जब जो संविधान को मानता है तो संविधानिक प्रक्रिया के तहत जो भी चलेगा तो लंबी लड़ाई तो चलेगी ही चलेगी। और सर्वे वीडियो की 8 तस्वीरें आपके सामने हैं, उसमें त्रिशूल के निशान है, दीवार पर फूल, घंटी की आकृति, शिवलिंग की ओर देखते नंदी, वजू खाने में शिवलिंग, तहखाने में स्वास्तिक का चिन्ह, गुंबद के नीचे गुंबद, दीवार पर दिए की जगह बनाई गई है, मलबे में टूटे प्रतीक हैं। कादरी जी से इस पर जवाब लेते हैं। कादरी जी, ये जो तमाम सर्वे किया गया, एक वीडियो बनाई गई, इस वीडियो में जो साक्ष्य मौजूद है उससे लगता नहीं कि हिंदू पक्ष का पलड़ा थोड़ा ज्यादा भारी है? देखिए मैडम, जो भी फैसला होगा कोर्ट में होगा, कोर्ट देगा कि आगे फैसला होगा या नहीं, लेकिन जहां तक के बात आपकी अपनी फोटोग्राफी की, वीडियोग्राफी की है, मैं आज से नहीं, जिस दिन से ये ज्ञानव्यापी का मसला उठा है, मैं ये बात साफ अंदाज ठीक है आपको रोकना चाहूंगी। कुमार अभिषेक जिला कोर्ट में मौजूद है। कुमार, बड़ी खबर आ रही है कोर्ट से, क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? कुमार, आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है। क्या क्या जानकारी देंगे आप? आप वहां जिला कोर्ट में मौजूद हैं, लगातार वहां पर पल पल की अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं, क्या जानकारी देंगे? देखिए, अब तमाम नजरें जो है सिर्फ इस बात पर टिकी हैं कि फैसला कितनी जल्दी आता है। 2 बजे का वक्त लगभग इसके लिए मुकर्रर किया गया है कि 2 बजे इस पर फैसला आने वाला है। सारे जो वकील हैं, पक्षकार हैं, सबके सब कोर्ट परिसर में पहुंच चुके हैं। मुझे लगता है कि 15 मिनट के बाद कोर्ट रूम में जाना सब शुरू करेंगे। जज एके विश्वेश जो हैं, अजय कृष्ण विश्वेश, ये तकरीबन 2 बजे अपने चैम्बर में पहुंचेंगे और फिर वहां पर अपना फैसला सुनाएंगे। जितनी तरह की बातें हुई हैं सुबह से हम लोग लगातार देख रहे हैं, हम लोगों ने सर्वे की बात की, जो वहां से हिंदू प्रतीक चिन्ह निकले, इन तमाम चीजों की बात की। लेकिन अगर हम लॉ के टर्म पे बात करें, कानूनी टर्म पे बात करें, तो आज तमाम वकीलों ने यह कहा है कि जो सर्वे हुआ है आज के फैसले से उसका कोई लेना देना नहीं होगा। आज का जो फैसला आएगा शुद्ध रूप से सिर्फ एक लाइन पर आएगा कि क्या कोर्ट आगे इस मामले को सुन सकता है कि नहीं, यह मेंटेनेबल है कि नहीं, जो 1991 का वर्शिप एक्ट है उसके तहत जो श्रृंगार गौरी के पूजन का अधिकार मांगा गया था, तो क्या ये मेंटेनेबल 7-11 का केस है कि नहीं। तो सभी नजर इसी ओर है, सभी नजर इसी ओर है कि 2 बजे अब से कुछ देर बाद जब ये फैसला आएगा तो क्या होगा। हमारे साथ जो वकील साहब हैं, जो पक्षकार हैं, इसके लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हैं, ये बताइए आप लोग किस तरीके से इतने आश्वस्त हैं अभी कुछ मिनटों बाद फैसला आने वाला है कि आप ही जीतेंगे? देखिए, अस्वस्थ इसलिए हैं कि वो स्थान जो है सारा देश जान रहा है, सारी दुनिया जान रहा है कि आदि विशेश्वर के मंदिर को तोड़कर मुस्लिम आक्रांता औरंगजेब ने उस ध्वस्त करके मस्जिद बनाया था, ये सब कुछ जान रहा है। और आज भी सारे साक्ष उस मंदिर के उस ज्ञानवापी परिसर में आज भी स्थित हैं। सारे दीवाल बोल रहे हैं कि वो जो मंदिर है, सारे दीवाले जो है, सारे कलाकृतियां सीख सीख के चिल्ला रही हैं कि हम मंदिर हैं। इसलिए हमने बहस की, आप लोगों ने लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक, आप नजर बना रहे हैं ज्ञानवापी मामले में अहम फैसले से पहले वाराणसी शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। कोर्ट परिसर से लेकर हर संवेदनशील जगह पर पुलिस तैनात की गई है। पेट्रोलिंग बढ़ाकर कई जगहों पर QRT टीम तैनात की गई है। वाराणसी में धारा 144 लागू है। सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं क्योंकि आज का दिन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी वजह से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के बेहद तगड़े इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर की तरफ जाने वाले कई ऐसे रास्ते हैं जहां पर दूर से ही बैरिकेडिंग कर दी गई है और दूसरी तरफ यहां पर आपको दिखाना चाहेंगे लगातार पुलिसकर्मी भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है तो उनको हटाने की कोशिश में लगे हुए हैं क्योंकि यहां पर धारा 144 भी लागू है। देखिए, ये लोग लगे हुए हैं लगातार कि यहां से लोगों को किनारे किया जाए। दूसरी तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे, आप आइए सज्जन, दूसरी तरफ आपको दिखाना चाहेंगे, ये काशी विश्वनाथ का पूरा परिसर है, ये मणिकर्णिका द्वार है। मणिकर्णिका द्वार के बाहर भी देखिए किस तरह से यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पर अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि आराम से अपनी अपनी जगह चलते रहें। दूसरी तरफ सचिन, आप इधर आइए, ये मणिकर्णिका द्वार, यहाँ पर भी बेहद कड़े इंतजाम किए गए हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है, यहाँ पर ये पूरी बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती और जितने भी लोग यहाँ से अंदर की तरफ जा रहे हैं, आप देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम जवानों के यहाँ पर, मुझे भी अंदर नहीं जाना है, अंदर किसी सबको बंद है, मीडिया को बंद है या केवल आम लोगों को?
और लोग आम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, सर क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं आप? बता, आप बोलते रहिए जो भी बोल रहे हैं हम लोग। प्लीज उधर चलिए। ठीक है। आप देखिए यहाँ पर फिलहाल मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है और यहाँ पर बैरिकेडिंग करके रोक दिया गया है। सभी मीडिया कर्मियों से वो अनुरोध कर रहे हैं कि यहाँ से थोड़ा आप दूर हट जाएं। यहाँ पर बैरिकेड कर दिए गए हैं, अंदर से लोग जरूर आ रहे हैं, दर्शनार्थियों को असुविधा नहीं हो उसका ख्याल रखा जा रहा है। ये तमाम दर्शनार्थी आप देखिए पंक्तियों में आगे की तरफ जाते हुए, एक बार जरा अनाउंसमेंट सुनते हैं। आप लोग किनारे हट जाइए और चलने दीजिए लोगों को। ये सभी दर्शनार्थी कृपया अपने से बाएं चलें और मीडिया कर्मियों से विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई रास्ते में अवरोध न उत्पन्न करें जिससे शव को या यात्रियों को असुविधा हो। यात्रियों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो उसके मद्देनजर लगातार यहां पर अनाउंसमेंट किया जा रहा है, लोगों को हटाया जा रहा है, अंदर कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती है। इस तरह के इंतजाम पूरी यहां पर पुलिस की बेहद जबरदस्त तैनाती की गई है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और लगातार यहां से लोग भारी तादाद में इकट्ठा नहीं हो जाए इस वजह से इन सभी को यहां से हटाया जा रहा है, और दर्शनार्थियों के लिए भी बाकायदा लाइन लगाकर एक एक करके अंदर ताकि वो काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए जा सके, कम से कम इस तरह की व्यवस्था यहां पर इस वक्त देखने को मिल रही है। इस बीच बड़ी खबर वाराणसी कोर्ट से आ रही है। जिला कोर्ट ने सभी मामलों में अगली तारीख तय कर दी है, अब सिर्फ श्रृंगार गौरी मामले पर फैसला आना है। थोड़ी देर बाद जिला अदालत का यह फैसला आएगा, माना जा रहा है लगभग 2 बजे के आसपास ये फैसला आएगा। केस नंबर 15 है ये। आज सिर्फ ज्ञानवापी मामले पर फैसला लिया जाएगा कि यह केस मेंटेनेबल है या नहीं, इस पर आगे सुनवाई होगी या नहीं। बाकी सभी मामलों में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी। ज्ञानवापी पर आज बनारस कोर्ट का एक बड़ा फैसला आने वाला है, और इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है गिरिराज सिंह, बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भी हैं। ज्ञानवापी में श्रृंगार गौरी में पूजा हो ना हो, इसको लेकर आज फैसला आने वाला है, क्या देखिए, जब कानून के तहत हो, कोर्ट में मामला हो, तो मेरे जैसे व्यक्ति को कुछ नहीं बोलना चाहिए, अन्ना मैं इस पर कोई टिप्पणी करूंगा, लेकिन ये कहूंगा अखंड भारत के समय से अगर आक्रांताओं ने भारत को इस ढंग से तबाह और बर्बाद नहीं किया होता, भारत की पहचान सांस्कृतिक रूप से, अगर हम भारत की पहचान है संस्कृति और संस्कार से, तो काशी मथुरा और अयोध्या से ही भारत की पहचान है, ये हमारे आराध्य है, और इसके बगैर इन आक्रांताओं ने जिस ढंग से हमें तबाह और बर्बाद करने का काम किया, ये कांग्रेस पार्टी के लोग आजादी के बाद और महिमामंडित किया, नहीं तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है, आपको लगता है श्रृंगार गौरी में पूजा अर्चना से महिलाओं ने भाई क्या भारत की पहचान काशी मथुरा अयोध्या के बगैर है, और ये हम यहाँ नहीं पूजा करेंगे तो देश में कहाँ पूजा करने जाएंगे, सीरिया में, पाकिस्तान में कहाँ पूजा करें, जहाँ पाकिस्तान में न मेरी मंदिर बचा न मेरी बेटी बची तो कहाँ हम पूजा करेंगे। ज्ञानवापी पर जो कोर्ट का फैसला आएगा क्या वो आपको मान्य होगा? देखिए हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं, कानून के तहत ही हमने अयोध्या को लिया है, और यहाँ और हिंदू पक्ष के वकील क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर सुनिए। कर दिया गया उस दरवाजा के जो पैकिंग हटा करके, और ब्रैकेटिंग के पश्चिम तरफ दरवाजों को पैक हटा करके विधिवत कमीशन करा कर रिपोर्ट बना लिया गया, ये मेरा प्रथम पेंडिंग है। रेखा जी, इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है, क्या कहेंगी थोड़ी ही देर? हम लोग को बहुत खुशी है, इसी पल का हम लोग को बहुत दिन से इंतजार था, हम लोग जल्दी और 7/11 खत्म हो जाए और हम लोग की जीत हो जाए। तरीके से इस बार तैयारियां की गई है क्या, अभी थोड़ी देर में फैसला आएगा, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से? तैयारियां कोई भी नहीं, फैसले का इंतजार कर रहे हैं, और बहुत हर्ष उल्लास के साथ हम लोग हर हर महादेव का नारा तो जरूर लगाएंगे। आप लोग और देशवासियों के साथ नंदी की तपस्या भी सफल होगी और हम लोग की भी तपस्या सफल होगी। और रही बात है आज हम सभी
चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, पूरे सनातन धर्म, पूरे हिंदू, पूरे वर्ष और पूरे ब्रह्मांड में ये कवर करना चाहते हैं कि आज अगर फैसला हमारे हक में आए तो सभी अपने घरों के ऊपर, छतों के ऊपर दिए जलाएं और शंख और घंटे बजाएं। आज हम लोग बहुत हर हर महादेव का नारा लगाएं। हाँ, और सबसे यही अपील हाथ जोड़ के करते हैं कि सभी लोग अपने अपने घरों में दिए, शंख, घंटी और हर हर महादेव का नारा जरूर लगाएं। तो आप लोगों ने भी कुछ तैयारियां की? बिल्कुल, हर हर महादेव का नारा तो हम लोग का अब 24 घंटे लगेगा। अब बाबा आने के बाद पूरी तैयारी आप लोग खुद ही मालूम हो जाएगी क्या हम लोग करेंगे क्या नहीं करेंगे। अभी तो कह दो, अभी तो झांकी है, दर्शन अभी बाकी है। तो सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुमार अभिषेक, मेरे सहयोगी भी जिला कोर्ट से जुड़े हुए हैं। कुमार, वहां पर किस तरीके की हलचल है वो दिखाइए, किस तरीके के सुरक्षा के इंतजाम किए गए, क्योंकि जब फैसला आएगा जाहिर तौर पर वहां पर काफी ज्यादा मूवमेंट होगा, उसे कंट्रोल करने के लिए कैसे इंतजाम है? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त वाराणसी का जो जिला सत्र न्यायालय है उसके बाहर खड़े हैं और यहाँ पर पुलिस के इंतजाम लगातार हम लोग दिखा रहे हैं कि बहुत ही व्यापक इंतजाम है। फ्रिस्किंग के बाद अंदर जाने दिया जा रहा है और अगर आप आपको बताएं तो अब आधे घंटे से भी कम का वक्त है जब ये फैसला आने वाला होगा। और ये आप गेट देख लीजिए और उसके चारों तरफ जो पुलिस की मौजूदगी है वो लगातार अनाउंसमेंट हो रहा है। हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक कोर्ट रूम में जो हिंदू पक्ष के वकील हैं, जो मुस्लिम पक्ष के वकील हैं और जो याची हैं, ये लोग अब पहुंच चुके हैं है। और पहले वाली सोहनलाल आर्या क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। स्वतः ही स्फूर्त है, जनता स्वतः स्फूर्त अपना जो है स्वयं सामने आएगी। बस आपके सभी साक्षियों को कोर्ट में पेश किया गया है, जितने साक्ष्य आपने कलेक्ट किए थे काफी लंबे दिनों से सुनवाई चली है, क्या बिल्कुल सारे साक्ष्य, दस्तावेज, पांडुलिपि, सारे के सारे, सब हिंदू समाज के लोग, हमारे अधिवक्ता मानी सुधीर जी और सारे अधिवक्ता विष्णु शंकर जी, हरिशंकर संजय जी, सब लोग को, सब लोग अच्छे ढंग से लड़े और उसका प्रमाण सबके सामने आज विजय के रूप में जो है सामने प्रमाण आ रहा है। मुस्लिम पक्ष अगर अपने में उनको विश्वास होता तो हाई कोर्ट में जाकर कैबिनेट दाखिल नहीं कर पाए होते। उनको मालूम है कि हम हार रहे हैं तभी तो कैबिनेट दाखिल किए। हम आश्वस्त हैं, हिंदू समाज आश्वस्त है, प्रदेश सरकार आश्वस्त है, पूरे देश के हिंदू समाज आश्वस्त है और यही कारण है कि हम विजय मुस्कान में है, प्रदेश मुद्रा में है और हर हर महादेव को नारा लगा रहे हैं। हर महादेव। कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, देखिए प्रथम वादी भी काफी ज्यादा आश्वस्त हैं कि उन्हीं के पक्ष में यानी कि हिंदू पक्ष में फैसला आने वाला है। हर हर महादेव के नारे इस वक्त सुबह से ही वाराणसी में गूंज रहे होंगे। बिल्कुल, चाहे वो मंदिर परिसर हो या फिर कोर्ट परिसर के बाहर जहां हम लोग मौजूद हैं, हर हर महादेव के नारे और खासकर हिंदू पक्ष की तरफ से जितने लोग हैं, चाहे वो हिंदू महासभा के लोग आए हों, चाहे वकील हों, सबके सब इस बात को लेकर उत्साहित हैं कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। उन्हें इस बात का विश्वास है, कॉन्फिडेंट हैं। हमने मुस्लिम पक्ष से भी बात की और मुस्लिम पक्ष भी आश्वस्त है कि फैसला उसके पक्ष में आएगा, लेकिन लॉ पॉइंट पर फैसला आना है, एक लाइन का फैसला होना है, इसलिए सभी लोगों ने ये दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो क्या करेंगे। कुछ मिनटों का वक्त बाकी है, आप देखिए, मैं वो दृश्य दिखाऊं कि यहां से लोग लगातार, जो खास करके वकीलों का पूरा जमावड़ा है, वो इस वक्त कोर्ट परिसर में प्रवेश कर रहा है। मीडिया को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। जो आप सुरक्षा व्यवस्था है वो उसको आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर बढ़ी हुई है और कोर्ट के बाहर बकायदा अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमने जो याचिकाकर्ता है उन्हें सुना, सोहनलाल आर्य जो कि सबसे 1984 में इस मामले में उन्होंने दाखिल किया था, उनको सुना, ये सबके सब इस बार से सराबोर हैं कि शायद फैसला उनके ही पक्ष में आ रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना पड़ेगा। 2 बजे ठीक जज बैठेंगे जो हमारी जानकारी है और 2 बजे के तुरंत बाद किसी भी वक्त ये फैसला आ सकता है। नेहा,
साथ ही कुमार, आप शुरू से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए, कई सारे उतार चढ़ाव इस केस में देखे हैं, कभी हिंदू पक्ष ने अपनी जो आवाज बुलंद की वो उसके बाद जब पूरे साक्ष्य इकट्ठा हो गए, खासतौर पर वो जो एएसआई का सर्वे हुआ तब इनकी जो पूरी दलील थी उसको और ज्यादा बल मिला, और ज्यादा जोर मिला। बिल्कुल, इनकी दलीलों को खूब बल मिला है और जितने भी जितनी भी दलीलें रखी गई, जितने भी बहस हुए इस मेंटेनेबिलिटी को लेकर के, उसमें भी बकायदा जितने साक्ष मिले या फिर जो भी सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट आई, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसकी तस्वीरें, इन पर भी लगातार चर्चा हुई। मुस्लिम पक्ष ने भी लगातार अपनी बात रखी कि 1937 में जो दीन मोहम्मद का केस था उसमें भी मस्जिद मार्क किया हुआ था। इनका एक और दावा है कि 1991 के का जो वर्शिप एक्ट है उससे ये पूरी तरीके से इसे रोक दिया गया है। लेकिन आखिरी इनका जो दावा है वो ये है कि अगर इनका इस पर मालिकाना हक नहीं है तो फिर कॉरिडोर के लिए उनसे जमीन क्यों ली गई। तो कुल मिलाकर उनके पास भी अपनी दलीलें हैं। अब सब कुछ अदालत पर निर्भर करता है। एके विश्वेस जो कि इस लगातार इसको सुन रहे हैं, जिला जज हैं वाराणसी के, अब उनको तय करना है कि इस ये पूरा केस मेंटेनेबल है या नहीं। देखिए, उत्साह से यहाँ पर जो हिंदू पक्ष है वो भरा हुआ है और उसे लगता है कि फैसला उसके ही पक्ष में आएगा। लेकिन अगर आप सुने, चाहे वो हरिशंकर जैन हो या विष्णु जैन हो, वो लगातार इस बात को भी कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ ये फैसला गया तो वो फिर ऊपरी अदालत का दरवाजा तुरंत खटखटाएंगे। तो ये लड़ाई बहुत लंबी होने वाली है, बहुत आसान लड़ाई नहीं है। हम लोगों ने जितना कुछ अभी तक देखा है, चाहे सर्वे कमिश्नर की रिपोर्ट, एडवोकेट कमिश्नर की वो सर्वे रिपोर्ट हो, या फिर अंदर से जिस तरीके के दृश्य सामने आए, जिस तरीके के सर्वे हुए, ये सब कुछ आज आकर के सीमित हो जाते हैं। क्योंकि आज सिर्फ एक लाइन के फैसले पर सबकी निगाह टिकी है कि क्या ये केस मेंटेनेबल है कि नहीं। अगर ये केस मेंटेनेबल होता है तो वो जितने सर्वे हुए हैं, जितने साक्ष्य सामने आए हैं, इन सबों का रोल आएगा, इन सबों को मेंशन किया जाएगा आगे की सुनवाइयों में। लेकिन अगर ये मेंटेनेबल होता है तो हिंदू पक्ष की बड़ी जीत होगी, और अगर ये मेंटेनेबल नहीं होता है तो हिंदू पक्ष के लिए बहुत लंबी लड़ाई पर कई पेचीदगियां हैं इस पूरे मामले में कुमार। लेकिन जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा वाराणसी इस वक्त छावनी में तब्दील हो चुका है, ज्ञानवापी परिसर में ही हम देखते हैं कि कितनी फोर्स नॉर्मल में होती है। आप पर मैं लौटूंगी, आपसे सवाल लेंगे, लेकिन इस बीच वकील का क्या कहना है सुन लेते हैं। साक्ष्य प्रस्तुत हो चुके हैं, अब उन फैसलों पे, साक्ष्यों पे अब निर्णय आ जाना है। फैसला तो सब आ ही चुका है जो आना था। दलील रखा है, मौखिक रखा है, कोई प्रमाण, कोई साक्ष्य, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं रख पाए हैं वो।